वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे एयरपॉड्स प्रो 2 की मास्टर कॉपी को। ओरिजिनल नहीं है, मास्टर कॉपी है, लेकिन जब ये मास्टर कॉपी आप देखेंगे, मुझे आपने वीडियो के एंड में बताना है कि आपको इसमें और ओरिजिनल में कितना को फ़र्क नज़र आ रहा है। बिकॉज जितने मैंने अभी तक रिव्यूज़ देखे हैं और जितना मैंने इसके बारे में सुना है, दिस थिंग इज़ जस्ट अमेजिंग। वर्क्स फंक्शंस एग्जैक्टली लाइक द ओरिजिनल वन, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है सच। देखते हैं हाउ डज इट परफॉर्म, ओवरऑल की क्वालिटी कैसी है। लेट्स गो अहेड एंड ओपन द बॉक्स। तो मुझे कोई छुरी मिल नहीं रही थी, तो मैंने अभी ये कैंची पकड़ ली है। लेट्स गो अहेड एंड ओपन दिस बॉक्स एंड सी व्हाट वी गेट इनसाइड द बॉक्स। अच्छा, बॉक्स की क्वालिटी जो है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम इन्होंने बनाई है। बॉक्स ओपन हमने कर लिया है, इसको रखते हैं साइड पे। बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले आपको इसका एक अदद यूज़र मैनुअल मिल जाता है, कि जो कि बड़ी अच्छी तरह से सेपरेटली पैक हुआ है। यूज़र मैनुअल के अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। मोस्टली ये सारी चीज़ें चाइना में लिखी हुई हैं। आई थिंक इसमें इसको कनेक्ट करने का तरीका वगैरह लिखा हुआ है, नहीं, इंग्लिश में और चाइना दोनों में है, तो दैट्स वेरी गुड। उसके बाद आपको बॉक्स के अंदर आपके एयरपॉड्स मिल जाते हैं। इसको भी थोड़ी देर तक रिव्यू करते हैं, उससे पहले देखते हैं बॉक्स में और क्या चीज़ें आती हैं। आपको ये केबल मिल जाती है, जो कि एक लाइटनिंग टू यूएसबी टाइप सी केबल है, आई थिंक, यस। तो दिस इज़ अ लाइटनिंग टू यूएसबी टाइप सी, ये यूएसबी टाइप सी है और इस साइड पे लाइटनिंग है। तो ये आपको आई थिंक चार्ज करने के लिए मिलती है, इसको भी अभी देखते हैं। तो ये आपको आई थिंक वो ईयरबड्स मिल जाते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे इसको ओपन करते हैं तो ये इसमें एक, दो और तीन पेयर्स हैं। तो तीन पेयर्स के आपको, और तीन आई थिंक यहाँ पे और एक उसके साथ जो है वो इसके अंदर लगा हुआ है, तो ये चार टोटल हो जाते हैं। सो इन टोटल सिर्फ 4 पेयर्स इसके साथ आते हैं। अभी हम लोग इसको फॉर द टाइम बीइंग बंद करते हैं, एंड लेट्स ओपन अप द बॉक्स एंड सी व्हाट कम्स इनसाइड द बॉक्स। सो जो इसकी क्वालिटी मुझे नज़र आ रही है ना, एंड दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। लाइक अभी तक मुझे मार्केट में इस तरह का कोई यू नो एक कॉपी देखने को नहीं मिली है, क्योंकि एयरपॉड्स की कॉपीज़ तो काफ़ी सारी आ रही होती हैं, लेकिन जो ये क्वालिटी है ना, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि अभी तो मैं इसको हाथ में पकड़ के फील कर पा रहा ना, सो आई नो। ओके जी, ये फ्रंट आ गया इसका, और ये आ गया इसका बैक। बैक से देख लें, यहाँ पे स्टील है, उसके बाद यहाँ पे इसका बटन है। उसके अलावा आपको फ्रंट साइड पे ये एक इंडिकेटिंग लाइट मिल जाती है, और यहाँ से आप एयरपॉड्स को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप ओपन करते हैं, आप देखें इंडिकेटिंग लाइट ऑन हो चुकी है और ये आपके एयरपॉड्स पड़े हुए हैं। इसको ओपन करते हैं, लेट्स पुल इट आउट। अच्छा, जैसे ही आप इसको पुल आउट करते हो, तो जो मैंने जैसे आपको कहा था, जो इसकी क्वालिटी है ना, दैट इज़ जस्ट अमेजिंग। लाइक मुझे लिटरली बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है इसकी क्वालिटी। मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी अच्छी क्वालिटी होगी इसकी, क्योंकि जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो बिल्कुल ही आप नहीं बता पा रहे हो कि ओरिजिनल और इसमें क्या डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस है भी कि नहीं है, मतलब लिटरली नहीं बता पा रहे हो। जैसे मैंने कहा, ये इसके साथ लगा हुआ था और बाकी जो है वो सेपरेट है। थोड़ी देर तक इसकी ऑडियो क्वालिटी को भी चेक करते हैं। इसके अंदर अगर आप ये देखें, तो यहाँ एंड पे इसके कनेक्टर्स लगे हुए हैं, जहाँ से ये चार्ज होता है। यहाँ पे जो ओरिजिनल वाला होता है, उसके यहाँ पे किसी जगह पे एप्पल की ब्रांडिंग होती है, बट इन्होंने उस चीज़ को अवॉइड किया है और इसके अंदर वो नहीं है। ये वाला जो बटन, जैसे मैंने आपको बता रहा था, ये फंक्शन करता है बिल्कुल। ये आपका केस जब चार्ज होता है तो ग्रीन शो होता है। मैंने अभी अभी ऑर्डर किया, तो अभी मेरे पास तो ये ग्रीन ही शो हो रहा है, तो विच इज़ अ गुड थिंग कि मेरा ये केस चार्ज हुआ आया है। फ़ोन के साथ पेयर करना बहुत सिंपल है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप अपने ओरिजिनल एयरपॉड्स को पेयर करते हैं। आप इस बॉक्स को ओपन करेंगे, बॉक्स को ओपन करते ही आपको एक वियर्ड सा साउंड सुनने को मिलता है, और देखें नॉट कनेक्टेड टू दिस फ़ोन, और नीचे देखें ऑप्शन दे रहा है टू कनेक्ट टू द फ़ोन। तो मैं कनेक्ट पे टैप करूँगा, अब वो कह रहा है इस बटन को होल्ड करके रखें, ये जो पीछे बटन है, मैंने इसको होल्ड करके रखा, प्रेस एंड होल्ड, और एयरपॉड्स प्रो कनेक्टिंग आ रहा है अभी लिखा हुआ यहाँ पे, और मेरे एयरपॉड्स के अंदर एक साउंड मुझे सुनाई दिया है,
इसका मतलब है कि ये भी कनेक्ट हो रहे हैं। और वो देखिए मुझे उसने दिया है मीडिया कंट्रोल, प्रेस वंस इन ईदर एयरपोर्ट, एडजस्ट वॉल्यूम बाय स्वाइपिंग अप और डाउन ऑन द सेंसर ऑफ द स्टेम ऑफ योर एयरपॉड्स। तो ये मुझे इस तरह की कुछ ऑप्शंस दे रहा है, देखें नॉइस कंट्रोल के लिए प्रेस एंड होल्ड ऑन ईदर एयरपॉड टू स्विच बिटवीन नॉइस। तो ये वाली कुछ चीज़ें जो है ये आपको यहाँ से बताता जाएगा और आप ये करते जाएंगे। अभी कंट्रोल सेंटर आ रहा है, इन सारी चीज़ों को भी स्किप कर देते हैं। पर्सनलाइज्ड स्पेशल ऑडियो का भी ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, यूज़ योर एयरपॉड। देखें अभी मैंने एक एयरपॉड जैसे ही निकाला इसके अंदर से, तो मुझे ये बैटरी शो कराना शुरू हो गया। 91% अभी केस की बैटरी है और 100% दोनों एयरपॉड्स की बैटरी है। अब इसको डन कर देते हैं। अभी जो मेरे एयरपॉड्स हैं ये पेयर हो चुके हैं मेरे फ़ोन के साथ, तो मैं भी कान में लगा के चेक कर लेता हूँ। इनकी फिटिंग बहुत अच्छी है। अभी कोई चीज़ प्ले करके देख लेते हैं। आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों को तो शायद सुनाई ना दे, लेकिन ये है कि मैं आपको एटलीस्ट एक ऑडियो सैम्पल टेस्ट करके बता सकता हूँ कि ये कैसा साउंड कर रहा है अभी। कोई एग्जैजुरेशन नहीं करूँगा, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बोलने वाला। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, तो वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस इसको सुनने के बाद वो यही आता है कि जस्ट अमेजिंग। मेरे पास ओरिजिनल वाले एयरपॉड्स पड़े हुए हैं, अगर मैं उनको और इनको आपस में कंपेयर करूँ साउंड के हवाले से, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के हवाले से, बाकी चीज़ों का बैटरी का मुझे भी नहीं पता, बैटरी भी चेक करूँगा तो मुझे पता चलेगा, लेकिन ओवरऑल लुक वाइज, साउंड वाइज, फंक्शनैलिटी वाइज, हर चीज़ में आई थिंक दे आर टॉप नॉच। अब आ जाते हैं आखिरी चीज़ पे जो कि इनकी प्राइस है, और मुझे पता है कि आप में से काफ़ी लोग इसकी प्राइस जानना चाहते हैं। तो इसकी प्राइस मैंने जो ऑर्डर किया है वो है कोई 6,000 या 6,500 के अराउंड आपको ये मार्केट में मिल जाता है। आपको एक नंबर बता देता हूँ जहाँ से अगर आप ऑर्डर करेंगे और आप मेंशन करेंगे तो ये तकरीबन अराउंड मेरा ख्याल है कुछ 6,500 के वैसे मिलते हैं, लेकिन वो शायद आपको इस पर थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी ऑफर कर दे। मेरी उनसे कोई इस तरह की डिस्कशन हुई नहीं है अभी तक, लेकिन ये है कि आई नो फॉर अ फैक्ट कि ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, तो वो शायद आपको वाला डिस्काउंट दे दें। ये इनका नंबर है, ये इनकी शॉप का नाम है, इनकी वेबसाइट है और नीचे इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। इनसे कॉन्टैक्ट करके आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू। बाय बाय।